नमस्कार, स्वागत आप सभी का। खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। कमलनाथ पिछले तीन दिनों से मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं और न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में जमे कमलनाथ ने तमाम राजनीतिक चर्चाओं का मुंह अपनी तरफ मोड़ दिया। लेकिन मजाल है कि कमलनाथ टस से मस हो जाए, उनके शागिर्द जरूर हिचको लेखा रहे हैं, ऊपर से विरोधी सत्ताधारी पार्टी का रुख। कमलनाथ को लेकर बरकरार असमंजस शेयर बाजार की अनिश्चितताओं को मात देने लगा है। हर पल एक नया बयान आ जाता है और तस्वीर बदलने लग जाती है, फिर अगले ही पल दूसरा बयान आता है और फिर समीकरण बदल जाते हैं। कमलनाथ पर एक बार फिर से सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया, बोले कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे। अभी मेरा इस तरह का किसी कोई विचार ही नहीं है, ना मैंने किसी से चर्चा की। मैंने कहा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया, उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया हुआ प्रश्न है और वही जवाब दे। बोले मैंने तो किसी मीडिया को आज तक नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। कमलनाथ जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ये मीडिया में जिस भी तरह की बातें आ रही है ये सब एक तरह का षड्यंत्र है, ट्रांसपेरेंसी है। मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। और जो गांधी परिवार से उनके रिश्ते हैं वो कौन किसी के कहने पे या किसी के बताने पे टूटते नहीं है। वो हमेशा कांग्रेस की विचारधारा के साथ जिए हैं और कांग्रेस की विचारधारा के साथ अंतिम समय तक रहेंगे। इससे पहले कमलनाथ का 40 सालों से हमसाया होने का दावा करने वाले सज्जन सिंह ने एक और बयान दिया, कहा कि कमलनाथ अभी कांग्रेस में, आगे का पता नहीं। उधर कमलनाथ के एक और करीबी पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना का बयान आया, कहा कि उन्हें पीसीसी चीफ के पद से हटाया गया। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद भी राज्यसभा का टिकट नहीं मिला। कमलनाथ के दिल को ठेस पहुंची है। कमलनाथ जी की उपेक्षा चुनाव के टाइम से की जा रही है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भूपेश बघेल चुनाव हार जाएंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। चाहे राहुल जी की बात हो, कांग्रेस पार्टी की हो या पब्लिक की बात हो, तो बात आती है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ में चुनाव हारे जहाँ कल्पना नहीं थी, राजस्थान हम लोग चुनाव हारे, लेकिन कमलनाथ जी को ही नकारा क्यों कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश भी हारा, उसमें सारा दोष कमलनाथ जी के ऊपर देके कमलनाथ जी को जिस ढंग से पद से हटाया गया और राज्यसभा में सोनिया जी से बात होने के बाद वंचित किया गया, इससे लोगों को ठेस लगी हुई है। कांग्रेस में जारी विरोधाभासी बयानों के बीच बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, जहां आग लगती है धुआं वहीं से निकलता है। हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से दिग्विजय सिंह का कहना है कि ईडी का डर जो है वो नेताओं पे दिखाया जा रहा है, कांग्रेस नेताओं पे नहीं, तो कमलनाथ डर रहे और वो क्यों नहीं डर रहा, अगर ऐसा है तो ईडी का डर नहीं, उनके नेता के प्रति कार्यकर्ताओं का विश्वास खत्म हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं और मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है। सर, अगर हम बात करें सर, अगर कमलनाथ अगर पार्टी में आते हैं तो सर उनका स्वागत करेंगे सर आप? देखिए, अभी इस पे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, पर यदि कहीं धुआं निकल रहा है तो समझ लीजिए कुछ न कुछ तो आग होगी ही नीचे। कमलनाथ 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 गजब पेच फंसा है भाई। वो तो राजनीतिक शतरंज के खिलाड़ी हैं जो हर पल बदलती तस्वीर और हर एक बयान का मतलब निकालकर संभावनाओं के तीर छोड़ दे रहे हैं, वरना बयानों का इतना घन चक्कर कि आम इंसान इसे समझने की कोशिश करे तो गश खाकर गिर जाए। कहते हैं खेलने के लिए राजनीति से बेहतर कोई खेल नहीं, बशर्ते खिलाड़ी धुरंधर हो। शायद कमलनाथ यही एहसास कराने पर तुले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस में बने रहेंगे, असमंजस बरकरार है, लेकिन कमलनाथ बीजेपी में जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कई कांग्रेसी विधायकों के उनके साथ जाने की संभावना बन रही है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से चेहरे हैं जो कमलनाथ के साथ जा सकते हैं। छिंदवाड़ा के सभी विधायक, इसके अलावा सुनील उइके जुन्नार देव से जा सकते हैं। कौन कौन साथ जा सकता है? मोहन वाल्मीकि परासिया से हैं और ये भी जा सकते हैं। इसके अलावा विजय चौरे जो कि सौंसर से हैं, ये भी साथ छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही नीलेश उइके पांडुरना से
पांडोटना भी, क्योंकि ये महाकौशल का क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर कमलनाथ का अच्छा खासा होल्ड है। इसके अलावा सुजीत चौधरी चौरई से, कमलेश शाह जो हैं वो अमरवाड़ा से जो आते हैं वो भी साथ छोड़ सकते हैं हाथ का, ऐसा माना जा रहा है। दिनेश गुर्जर जो कि मुरैना से आते हैं, इसके अलावा संजय उइके बैहर से आने वाले जो हैं वे भी छोड़ सकते हैं साथ। इसके अलावा मधु भगत परसवाड़ा, विवेक पटेल वारासिवनी, विवेक पटेल वारासिवनी, और फिर छिंदवाड़ा और मुरैना के महापौर, छिंदवाड़ा और मुरैना के महापौर जो हैं वो भी छोड़ सकते हैं साथ अगर कमलनाथ का मूवमेंट होता है तो। बढ़ते आगे और दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का दो दिनी राष्ट्रीय सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ समाप्त हो गया। पीएम मोदी ने अपने 64 मिनट के भाषण में कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से काम करने का मंत्र दिया और कांग्रेस समेत विपक्ष पर निशाना साधा। 10 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और लगे हाथ अब की बार 400 पार के साथ कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में कूच करने के लिए कह डाला। दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो इस आत्मविश्वास और अब की बार 400 पार के नारे के साथ पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव दूर है लेकिन पूरी दुनिया को पता है आएगा तो मोदी ही। अभी तो चुनाव बाकी है लेकिन मेरे पास जुलाई अगस्त सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के शासनकाल की याद दिलाई और कहा कि कांग्रेस से देश की जनता को बचाने का दायित्व बीजेपी के हर कार्यकर्ता का है। साथियों, कांग्रेस से देश को बचाना, देश के हर नागरिक को बचाना, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य बचाना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। मोदी ने न सिर्फ कांग्रेस से देश को बचाने का आह्वान किया बल्कि कांग्रेस को अस्थिरता, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जननी भी करार दिया। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है, कांग्रेस परिवारवाद की जननी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने का भी आरोप लगा डाला। विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोडमैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं। साथियों, कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे। बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर देश के लिए मोदी सरकार जरूरी क्यों है। आज देश की जनता कह रही है भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होती रहे, इसलिए महंगाई पर लगाम लगी रहे, इसलिए देश के दुश्मनों में डर बना रहे, इसलिए निवेश और नौकरी के अवसर बढ़ते रहे, इसलिए भारत तीसरी बड़ी सबसे आर्थिक ताकत बने, इसके लिए। और आखिर में मोदी ने पार्टी के हर कार्यकर्ता को अब की बार 400 पार के नारे के साथ अपने अपने क्षेत्र में कूच करने का निर्देश दे दिया। आप यहां से एक नए संकल्प के साथ अपने क्षेत्र में जाएं, अब की बार 400 पार, अब की बार इस मिशन पर हमें जुट जाना है। तो इस तरह से पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया, केंद्र की सत्ता पर वापसी का गुरु मंत्र दिया और इसे हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं से हकीकत की जमीन पर उतरकर 400 के नारे को साकार करने के लिए जुट जाने का आह्वान किया।
भारत माता की, भारत माता की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। शनिवार की शाम राजस्थान के पोकरण रेंज में भारतीय वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। करीब दो घंटे तक चले इस युद्धाभ्यास में फाइटर जेट्स जमकर गर्जे। इंडियन एयरफोर्स ने वायु शक्ति 2024 के दौरान अपनी ताकत का एहसास कराया, जिससे सीमा पार पाकिस्तान की नींद उड़ गई। फिर हुई है सर्जिकल स्ट्राइक। इस बार बम इतना ज्यादा गिराया गया है कि दूर बैठे दुश्मन का दिल बैठ गया है। एयर स्ट्राइक वाला महीना है। एक्सट्रैक्टर पैराशूट की मदद से रसद सामग्री बाहर आ चुकी है। जब 2019 में पाकिस्तान पर बम गिराए गए थे, अब उसी हमले के 5 साल पूरा होने से पहले इन हमलों को अंजाम दिया गया। सिर्फ तस्वीरें हैं और धमाके हैं। धमाके भी ऐसे कि जहां बम फटा वहां हर टारगेट जर्रे जर्रे में तब्दील हो गया। 2 किलोमीटर के दायरे में 50 टन बम गिरा है और यह बमबारी सिर्फ 2 घंटे के अंदर हुई है। और दूसरा बम भी Sukhoi-30 MKI गिरा चुका है दुश्मन पर। वायुसेना 120 मिनट के अंदर 120 से ज्यादा फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से हमले कर चुकी है, यानी हर मिनट एक हमला, हर मिनट एक धमाका, हर मिनट एक ऐसा अटैक जिसकी जद में जो कुछ आया पूरी तरह तबाह हो गया। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट ने उसी पोखरण में अपनी फायर पावर दिखाई है जहां 1974 और 1998 में परमाणु टेस्ट करके भारत ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत से वाकिफ करा दिया था। अब वायुसेना ने पोखरण में जो सर्जिकल एयर स्ट्राइक दिखाई है उसमें हुए धमाकों की गूंज पाकिस्तान में भी सुनाई दी। इन धमाकों की तस्वीरें बीजिंग भी पहुंची हैं और पाकिस्तान से लेकर चीन दोनों बहुत तनाव में हैं। इन धमाकों को लेकर रावलपिंडी हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई है। इन धमाकों को लेकर चीन को समझ में आ गया है कि भारत की 2 फ्रंट को लेकर तैयारी कितनी बड़ी है। ये भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। ये एयरफोर्स का सबसे खतरनाक युद्धाभ्यास है। शुद्ध हुआ तो एयरफोर्स के पायलट ऐसे ही हमले करेंगे। यही इस पूरी ट्रेनिंग का निचोड़ है। इंडियन एयरफोर्स ने 4 साल बाद इस तरह अपनी फायर पावर दिखाई है। इससे पहले 2020 में वायु शक्ति युद्धाभ्यास किया था। अब 4 साल बाद चुनौतियां ज्यादा है, टक्कर बड़ी है। चीन और पाकिस्तान को एक साथ रोकने वाला दम दिखाने के लिए इस बार करीब 125 विमान शामिल हुए हैं। सबसे बड़ा मिशन, सबसे खतरनाक इरादा, सबसे बड़ा हमला। 50 टन बम का मतलब ऐसे धमाके जो किसी छोटे शहर को मिट्टी में मिला सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के 120 से ज्यादा फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ने पाकिस्तान के शनिवार को दहशत से भर दिया। 17 फरवरी को राजस्थान का पोखरण डेंजर जोन बन गया। वायुसेना फायर पावर का सबसे खतरनाक शो, जिसमें 77 फाइटर जेट, 41 हेलीकॉप्टर, 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 3 तरह की एयर डिफेंस मिसाइल, 12 यूएवी यानी ड्रोन, पूरी ताकत का इस्तेमाल किया गया।
सब 17 फरवरी को पाकिस्तान के करीब राजस्थान के रेगिस्तान में जुटे और ऐसा तूफान लाए जिसे देखकर किसी भी दुश्मन के पसीने छूट जाएंगे। This kind of जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने शरीर त्याग दिया। राजनांदगांव जिले के डूंगरगढ़ चंद्रगिरी पर्वत पर मुनि महाराज अपना शरीर त्याग गए थे। उनके अंतिम दर्शन के लिए दूर दूर से जैन समुदाय के लोग पहुंचे हैं। जैन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज ने शनिवार देर रात अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के डूंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में आचार्य पद का त्याग करने के साथ 3 दिन का उपवास और मौन धारण कर लिया था। उनके शरीर त्यागने की खबर के बाद जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। पूजन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया और वो पंचतत्व में विलीन हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में अधिवेशन के दौरान अपने संबोधन में पीएम ने विद्यासागर जी महाराज का जिक्र किया और इस दौरान वे भावुक नजर आए। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके समलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में हैं, हम सभी शोक में हैं और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि लेने पर शोक जाहिर किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ सहित देश दुनिया को अपने ओजस्वी ज्ञान से पल्लवित करने वाले आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देश और समाज के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य, उनके त्याग और तपस्या के लिए युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। आध्यात्मिक चेतना के पुंज आचार्य विद्यासागर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। वहीं जैन मुनि के निधन पर छत्तीसगढ़ में आधे दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में सरकार के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आमिर खान की फिल्म दंगल में काम कर चुकी चाइल्ड आर्टिस्ट सुहानी भटनागर का 19 की उम्र में निधन हो गया। उनकी मौत का कारण एक ऐसी बीमारी बनी जो बेहद ही कम लोगों में पाई जाती है। उनके घर वालों के साथ साथ उनके फैंस भी अब सदमे में हैं। रिपोर्ट देखिए। साल 2016 में दंगल फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर आई थी तो पूरी तरह से छा गई थी। फिल्म हरियाणा की रेसलर गीता और बबीता फोगाट और उनके पिता महावीर फोगाट पर बनी थी, जिसे दर्शकों की खूब वाहवाही मिली थी। ये फिल्म रेसलिंग को लेकर लड़कियों को प्रेरित करने में भी काफी कारगर रही। लेकिन इस फिल्म से जुड़ी एक अदाकारा के अचानक निधन की खबर सामने आई है। दंगल फिल्म में सुहानी भटनागर ने बबीता फोगाट के बचपन का रोल निभाया था। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने के लिए उन्हें काफी तारीफ मिली थी। सुहानी भटनागर की मौत की खबर से पूरा बॉलीवुड सन्न है। उनके चाहने वालों को खबर पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतनी कम उम्र में सुहानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अभी वो केवल 19 साल की थी। जिंदगी के लिए कई सपने बुने थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक घातक बीमारी ने उनकी जान ले ली। बताया जा रहा है कि सुहानी डर्मेटोमायोसाइटिस बीमारी से पीड़ित थी। उनका काफी समय से इलाज चल रहा था। सुहानी का निधन शनिवार को दिल्ली में हुआ। ये जो बीमारी है ये काफ़ी रेयर होती है और ये क्रोनिक बीमारी है। धीरे धीरे स्किन पे रैशेस पड़ने लगते हैं, जो स्किन है वो डस्की होने लगती है और सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये जो है बहुत जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाती है। सुहानी के साथ भी ऐसा हुआ था कि सुहानी को इन्फ्लेमेशन की दिक्कत हुई थी और धीरे धीरे स्किन पर रैशेस पड़ने लगे थे। कहा जा रहा है कि करीब 2 महीने पहले उनके हाथ में सूजन आने लगी थी। सुहानी के ट्रीटमेंट के लिए लगातार दवाई चल रही थी जिससे उन्हें साइड इफेक्ट होने लगा। हमें बीमारी के बारे में तो 2 हफ्ते पहले पता चला एम्स में।
उससे पहले तो हम लोग को यही नहीं पता था कि क्या प्रॉब्लम है। एक हाथ में स्वेलिंग आ गई है, हमें लगा कि क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं डॉक्टर से मिलते हैं क्या बताते हैं वो। तो पहले यानी कि पता ही नहीं लगा कितने पहले डॉक्टर्स ने पता किया तो उन्होंने सेलुलाइटिस बोला, कुछ कुछ ने टेस्ट करे तो सेलुलाइटिस के बारे में कहने लगे, सेलुलाइटिस के एंटीबायोटिक्स दिए, सेलुलाइटिस नहीं था वो एग्जैक्टली, उसके फिर कुछ रिएक्शंस वगैरह हो गए बीच में, फिर उसको कोल्ड कफ शुरू हो गया। घर वालों ने थक हार कर सुहानी को 7 फरवरी को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया। जब टेस्ट हुए तो पता लगा कि उन्हें डर्मेटोमायोसाइटिस की बीमारी है। अभी तक पूरी दुनिया में ऐसे 5 से 7 केस ही सामने आए हैं। इसके बाद सुहानी को एस्ट्रॉइड्स दिए गए, बाद में सुहानी की इम्यूनिटी कमजोर होने लगी। डर्मेटोमायोसाइटिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है, ये कैंसर तो नहीं है बट कैंसर की तरह फेटल है। बीमारी से भी डेथ हो सकती है आदमी की, और चूंकि डायग्नोज लेट इसलिए होती है क्योंकि बहुत रेयर बीमारी है, डॉक्टरों को भी नहीं मालूम पड़ता। इवन हम लोग सीनियर हैं, हम भी 8 से 10 पेशेंट्स ही देखते हैं एक साल में। इसका नाम है डर्मेटोमायोसाइटिस, तो स्किन की बीमारी की तरह प्रेजेंट होती है, और जो शरीर की जितनी मसल्स हैं, जो रेस्पिरेटरी मसल्स भी हैं, वो भी धीरे धीरे पैरालाइज हो जाती हैं। कॉमन हम इसके लक्षणों के सिम्टम्स की बात करें तो स्किन के अंदर जैसा चेंजेस आते हैं, रेड रैशेस आपके फेस पे, एल्बो पे, नीज पे, वो पेनफुल भी हो सकते हैं और इचिंग भी हो सकती है। और मसल्स में बात करें तो वीकनेस होना शुरू होती है आपकी हिप्स में, थाई बोन में, आपके शोल्डर्स पे। दंगल फिल्म के बाद सुहानी भटनागर को टीवी के कई विज्ञापनों में भी देखा गया। कुछ वक्त बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। सुहानी भटनागर के बेहद कम उम्र में दुनिया को छोड़ देना उनके फैंस को अखर रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी जारी रहने वाला है। देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।